मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से कल 22 तारीख को यहाँ 3 दिन का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो खत्म हो गया था, लेकिन आज जिस तरह से फिर शाम के वक्त करीब 4 बजे के समय यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं फिर दोबारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि इस समय रात के करीब 9:30 से 10 बजने वाले हैं और यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है दोबारा एक बार फिर बैठ चुकी है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। आप तमाम जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके हाथ में इसी तरह का जो है मोमबत्ती देख सकते हैं आप, किसी तरह से मोमबत्तियाँ जो जलाकर वो यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि इन महिलाओं का जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है वो CAA NRC NPR के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 दिन जो यहाँ पर लगातार शाहीन बाग की तर्ज पर जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया था, लेकिन 22 तारीख की शाम को जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका था, लेकिन आज शाम के वक्त करीब 4 से 5 बजे के वक्त जो है यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुंची, जिसके बाद एक एक कर यहाँ पर महिलाओं का आना शुरू हो गया और ये प्रोटेस्ट जो है अब बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से शहर के महिलाओं को इस प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, वो महिलाएं बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर पहुंच रही है। किसी के परिवार का जो व्यक्ति है वो खुद महिलाओं को लाकर यहाँ पर छोड़कर जा रहा है, तो खुद महिलाएं ऑटो रिक्शा से इस प्रोटेस्ट में आकर शामिल हो रही हैं। लगातार ये लोग जो है सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो है नाराजगी जाहिर कर रही हैं। आप देख सकते हैं हाथों को ऊपर उठाकर जो है ये अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ से दिखा रही है कि किस तरह से जो है ये इस कानून के खिलाफ है, जो ये सरकार द्वारा कानून लाया जा रहा है उसके खिलाफ है ये लोग। आप दिखा दें तुम्हारी लाठी से तेज हमारी आवाज़ है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं की बात करें, अगर जिस तरह से सरकार कहती थी कि महिलाओं को सशक्तिकरण यानी महिलाओं की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती थी, आज वही महिलाएं सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर हैं। आपको ऐसे ही नज़ारा दिल्ली का शाहीन बाग हो, लखनऊ हो या मुंबई हो या मुंब्रा में आपको भी ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज महिलाएं सड़कों पर उतर कर जो है सरकार को अपनी ताकत दिखा रही है, ये बात सरकार को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से ये महिलाएं आज इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में इस कानून का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये महिलाएं आज मुंबई शहर में जिस तरह से ये महिलाएं यहाँ पर उतरी हुई हैं, ये अपने आप में एक बहुत अहम रोल है। जिस तरह से ये काले कानून को लेकर जो ये महिलाएं उतरी हैं आप देख सकते हैं, हालांकि इन महिलाओं से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये महिलाएं जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनके मुंह पर आप देख सकते हैं कि ये पट्टी रिबन बांधकर बैठी हुई हैं और कुछ भी ये अभी बोलेंगी नहीं क्योंकि ये साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं की ताकत आज इस कानून के खिलाफ पूरे देश में सामने आ रही है और पूरे देश की महिलाएं इस कानून के खिलाफ जो अपने घरों से निकल के सरकार के खिलाफ जो बिगुल बजाई है, कहीं ना कहीं सरकार को भी इन महिलाओं की इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम इस कानून को लेकर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वही महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं की ताकत है कि जो सरकार को पीछे हटने करने को मजबूर कर रही है, क्योंकि इसी तरह का जो है विरोध प्रदर्शन आपको लगभग पूरे भारत देश में देखने को मिलेगा। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।